इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो के अंदर मीशो रिटर्न प्रोडक्ट रिफंड फील्ड। तो इस तरीके से अगर आपका प्रॉब्लम आता है, रिटर्न जो होता है रिफंड उसमें प्रॉब्लम में फील्ड हो जाता है। और फील्ड काहे के लिए होता है कि बैंक डिटेल्स रॉन्ग, आपकी बैंक डिटेल्स गलत है, इस वजह से यहाँ पर होता है। बट एक्चुअली में ऐसा होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, और हाईली रिकमेंड जो है हर जो है जगह करती है कि जहाँ से आपने पेमेंट की हो, लाइक आपने जिससे भी ट्रांजेक्शन की हो बैंक अकाउंट से, आप वो लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आप लगा देंगे, क्योंकि ये बेहतर काम करता है और बेहतर ही ट्रांजेक्शन इसमें सक्सेसफुल होता है, वरना दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर आती है मेन चीज़ कि आप कोई डिटेल मिस तो नहीं कर रहे हैं डालने में। अगर आप मिस कर देते हैं और वो ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके आपके पास पैसे भेजते हैं, बट वो नहीं भेज पाते क्योंकि आपकी डिटेल्स गलत रहती हैं, तो वो उसको अक्सेप्टेबल नहीं बताते, तो उस सिचुएशन में आप पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। तो आप हमेशा जो है पेमेंट को सही से ट्रांसफ़र करें। सही से ट्रांसफ़र जब आप करेंगे मीशो के अंदर और सही से डिटेल्स डालेंगे अपनी, तो जो टीम वाले हैं मीशो टीम वाले, वो आपके रिफंड को आपके बैंक अकाउंट पर 100% पहुँचा देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से भी आपने ट्रांजेक्शन की होगी उसको पहले प्रेफर कीजिएगा। और शायद इसी वजह से लोगों को ये दिक्कत भी आती है कि वो प्रेफर नहीं करते, तो वो वहाँ से जो है उस पेमेंट को जो है कम्प्लीटली नहीं कर पाते। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।